ये बताइए आपकी तनख्वाह कितनी है? मेरी तनख्वाह है 86,000 बतौर गवर्नर। अब बतौर और आपको मैं एक दिलचस्प बात बताऊं, जो मेरा पीए है खालिद, उसकी तनख्वाह है 1,72,000, तो एग्जैक्टली इन्हें डबल है। यानी आप अगर 86 को डबल कर दो ना, तो मेरे पीए की तनख्वाह 1,72,000 है, मेरी तनख्वाह है 86,000। लेकिन आप पे उधर तो करोड़ों अखराजात भी हो रहे हैं ना, तनख्वाह आपकी कम है। देखिए मेरे मैं अच्छा मैं तो ये आप इतने लेविश जिंदगी पर कैसे गुजार रहे हैं? किधर की लेविश की? सरकार के खर्चे से किधर ना लेविश किधर, आप मुझे बताएं ना। आपको वैसी लेविश नजर, यानी आप कोई चीज़, आप देखो मेरी बात सुने, आप दो दफा आए, मुझे ये बताएं आपने क्या चीज़ कही है उधर? चलो अब आप बताए, आप तो गवर्नर फिर किधर से आई थी? शिकार की थी आप? किसने शिकार की थी? या जो खुद बंदा नेटिंग करके शिकार की चीज़ खिलाए आपको, तो वो अयाशी है। नहीं यार, खैर हमसे तो बहुत सारी चीजें आप लोग छुपा के भी रखते हैं ना। आपको अपने ऊपर आप देखो ना, अपने ये ईमान रखो ना कि देखो जो है वो सामने है। मैं बिल्कुल आपकी बात नहीं नहीं, जाहिर बात है गाड़ियां हैं, स्टाफ है, प्रोटोकॉल है। अच्छा बिल्कुल, गाड़ियां हैं, स्टाफ है, प्रोटोकॉल, अच्छा बिल्कुल है, तो इसलिए कहता हूं ना, तो ठीक है गाड़ियां भी। आप सिर्फ अपनी तनख्वाह करो ना, रो रहे मराज के ऊपर आता हूँ। गाड़ियां हैं, मुझे बताए ना, मैं इस्लामाबाद आता हूँ, इस्लामाबाद के बगैर मैं किधर गया हूँ? मुझे ये बताएं कि मैं कभी लाहौर नहीं गया, कराची नहीं गया, बाय एयर नहीं गया, गाड़ियों में नहीं गया। है तो सही, मैं इसको निकाल तो नहीं सकता। मेरे से ये पूछो मैंने कितना इस्तेमाल किया है। लोग कहते हैं कि 3 साल से मैं मल्क से बाहर नहीं गया। मेरी बात सुनो, आप तो कहते हैं मेरी बात सुनो, प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ एक दफ़ा उम्रे पर गया हूँ, एक दफ़ा उम्रे पर गया था जब मैं मिनिस्टर था। 3 साल नहीं, सरकारी गैर सरकारी दौरे पर 8 साल से नहीं गया हूं। 8 साल से जब मिनिस्टर था तब भी एक उमरा किया, जब मिनिस्टर था तब भी एक उमरा किया, और जब गवर्नर बना तो प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ गया, एक उमरा किया। आप सारा रिकॉर्ड चेक कर लेना कि हेलीकॉप्टर में मैं किधर किधर गया हूं। सिर्फ सरकारी और पब्लिक इंटरेस्ट के काम के अलावा मैं गया नहीं हूं। तो आपने तो 15 लाख हवाई सफर पे खर्च किए, तो ये 15 लाख मुझे बताए ना कोई। यही तो मैं कह रहा हूँ, इसीलिए तो लीगल नोटिसेस भेजे हैं कि भाई मैं किसी जहाज पे कहीं गया नहीं हूँ, लाहौर तक नहीं गया हूँ, कराची तक नहीं गया हूँ, बाहर दौरा नहीं किया, किधर मैंने 15 लाख लगाए? जब गवर्नर बना तो प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ एक उमरे पे गया। आप सरकारी जहाज या हेलीकॉप्टर इस्तेमाल अभी तक नहीं? सरकारी हेलीकॉप्टर जो सरकारी काम होता है, फॉर एग्जाम्पल चतराल गया सफरान के सिलसिले में, ऑलिव के सिलसिले में गया, करक गया, सिदर हनी बेरी हनी जो आप जिक्र कर रहे थे उसके हवाले से गया हूँ, कैडेट कॉलेजेस के लिए गया हूँ। मैं उससे पहले एसेट्स आपके कम हुए बड़े हैं इस दौरान? लोग तो कहते हैं उन्होंने बड़ा माल कमा लिया। एसेट्स मेरे कम हुए, मेरे बड़े नहीं, एसेट्स मेरे कम हुए। जो मैं कंपेरेटिव एनालिसिस करता हूँ तो नहीं बढ़े, मेरे एसेट्स नहीं बढ़े। तो आपके तो गैर नहीं, अपनी पार्टी के लोग भी कहते हैं कि जी शाह फरमान साहब ने बहुत माल कमा लिया। तो यार जब कोई बात करें तो अब मैं हर बंदे को लीगल नोटिस भेजूं।